आप चेक करो पूरा ये साइड, आप देखो किस तरीके से बहुत सारे घर जो हैं सब कुछ टूट रहे हैं, और इधर हमारे राइट हैंड साइड बहुत सारे घर जो है पूरे टूट गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड जय श्री राम, मैं हूँ पवन यादव अयोध्या से, और आज हम सुबह सुबह निकले हुए हैं आपको अपडेट देने के लिए, और हम चलते हैं सीधे सिटी के अंदर में और आपको दिखाते हैं सिटी के अंदर क्या क्या नया निर्माण हो रहा है हमारे अयोध्या में। तो चलिए, अभी हम हैं शंकरगढ़ के पास अंबेडकर नगर रोड पे, और यहाँ से सीधे हम चलेंगे पहले NH 27 पे, और उसके बाद चलेंगे सीधे फतेहगंज रोड पर जहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, और आपको अयोध्या चौक घंटाघर तक आपको दिखाते हैं। तो अभी आप देखोगे ये अंबेडकर नगर रोड है, और ये अंबेडकर नगर रोड का भी चौड़ीकरण जो है वो बहुत ही जोरों शोरों से हो रहा है। आप इधर देखेंगे दो ये 4 लेन जो ये पूरा तैयार हो रहा है, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर डिवाइडर का बीच में देखिए जगह छोड़ा गया है, और इसमें बीच में डिवाइडर जो है वो होगा, और उसके बाद आगे चलते दिखाते हैं आपको। ये आ गया NH 27 हाईवे जो लखनऊ टू गोरखपुर जाता है, और इसमें एक चीज़ हो गया है, एक ऐड किया गया है इसमें स्ट्रीट लाइट। पहले जो भाई नहीं आते थे देखते थे पूरे हाईवे पे अंधेरा रहता था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब यहाँ पर लाइट जलती हैं, सब सोलर पैनल से जलती हैं, और पूरी स्ट्रीट लाइट यहाँ से शहादतगंज और भी पूरे हाईवे पे ये लग गया है पूरे अयोध्या तक, और अयोध्या के आगे भी लग गया है। ये देखेंगे यही हाईवे है, और देखें ऊपर जल भी रहा होगा कुछ, आप देख रहे होंगे, और ये देवकाली बाईपास है, और हम सीधे चलते हैं, ये सीधे देवकाली रोड पे निकालता है। उसके बाद इधर साइड आप देखो ये साकेतपुरी जाता है, और अयोध्या रामपथ पर भी मिलाता है जो हमारे राइट हैंड साइड रोड गया है, और ये सीधे जो रोड गया है ये फतेहगंज चौक हर जगह ये सिटी के अंदर में लेकर जाता है, और इसका भी चौड़ीकरण जो है वो भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जितने घर आप देख रहे हैं ये सब घर जो है पूरा टूट रहा है। ये देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड हमारे देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ ककराहा के पास यानी देवकाली पार्ली फैक्ट्री के सामने का ये माहौल है, कुछ इस तरीके से बड़े बड़े जो घर हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरे टूट रहे हैं। तो और आगे हम चलते हैं और भी दिखाते हैं, इधर सीताराम मंदिर है, हनुमान गढ़ी है ये ककराहा का, और इधर साइड हमारे लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे घर जो है वो पूरे टूटे हैं, राइट हैंड साइड में भी बहुत घर जो है, स्कूल देखिए ये स्कूल भी टूट गया था आगे से, इसकी आउटर बाउंड्री जो है वो पूरी टूट गई थी, तो इस वजह से यहाँ का भी देखिए माहौल कुछ इस तरीके से है, और इसमें भी बीच में डिवाइडर होगा, और डिवाइडर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शाम के टाइम यहाँ का भीड़ ना भाई एक नंबर कह सक यहाँ का भीड़ बहुत तगड़ा होता है, और यहाँ पर देखिए निर्माण हो रहा है, देखो चौड़ीकरण के बाद यहाँ पर RCC रोड रहेगा, ये अंडर सिटी रोड है ना इसलिए यहाँ पर RCC रोड बनाया जा रहा है। इधर साइड आप देखो पूरा घर, देखो हमारे राइट हैंड साइड ये पुलिस चौकी है, देवकाली पुलिस चौकी, और देवकाली पुलिस चौकी का आउटर बाउंड्री भी इसकी चली गई, देखो ऑफिस वगैरह सब टूटेगा। ये तिराहा है, देवकाली तिराहा, यहाँ से अगर आप सीधे राइट हैंड चलते हैं तो आप सीधे देवकाली मंदिर बेनीगंज और रामपथ पर निकालता है ये सीधा रास्ता, और इधर साइड जो है ये आप देखो ये सीधे जो है हमारे राइट हैंड साइड ये चौक निकालता है न्यावा साइड, और ये भी फतेहगंज निकालता है, तो आपको हम सीधा लेकर चलते हैं फतेहगंज साइड में, और आपको दिखाते हैं जो निर्माण हो रहा है। देखिए जहाँ पर बड़े बड़े होटल बन रहे हैं इधर साइड में, ये देखिए बड़े बड़े होटल का निर्माण इधर साइड हो रहा है इस फतेहगंज वाले रोड पर, और फतेहगंज रोड भी चौड़ीकरण होगी, अभी यहाँ पर फिलहाल चौड़ीकरण जो है वो आपको नहीं दिखता है, बट ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होने वाला है, क्योंकि सिटी में सीधा जाता है और फ्लाईओवर का निर्माण भी हो रहा है, इस वजह से इस रोड को तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ीकरण जो है इसका होने वाला है, और चौक वाला रास्ता जो मैंने अभी कट के पहले दिखाया था वो रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो चुका है। देखिए बड़ा बड़ा कॉमर्शियल यहाँ पे हर एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाएगा इस फतेहगंज वाले रोड पे, और भी आपको हम दिखाते हैं ये चीज़ आप पूरा देखते जाओ। देखिए यहाँ सब आपको होटल और कॉमर्शियल चीज़ ज़्यादा यहाँ पर मिलेंगे इस रोड पे, और यहाँ पर शोरूम भी है बुलेट का,
इधर देखे रॉयल एनफील्ड का शोरूम इधर साइड आपको दिख जाएगा, और इधर हॉस्पिटल दिख जाएंगे ढेर सारे। तो ज़्यादातर ये एरिया जो है कमर्शियल एरिया में आता है। बाकी और आगे चलते हैं और भी हम आपको दिखाते हैं क्या क्या निर्माण चल रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े स्कूल भी है, वो अंदर में भी है, अनिल सरस्वती और भी बहुत सारे स्कूल अंदर पड़ जाते हैं। देखिए पहले यहाँ पर पेट्रोल पंप भी नहीं था, बट आप देखो भारत पेट्रोल पंप इधर आपको दिख जाएगा इस साइड में हमारे। पहले यहाँ पर ट्रैक्टर की एजेंसी वगैरह हुआ करती थी। और अभी मॉर्निंग टाइम का व्यू आप चेक करो हमारे अयोध्या का, आप हर टाइम का व्यू चेक करते हो, शाम का भी और दोपहर का भी। आज मैंने सोचा कि आपको सुबह सुबह राइड कराते हैं हमारे अयोध्या और दिखाते हैं। देखिए सब सुबह सुबह चाय की चुस्की ले रहे हैं इधर देखिए गौ माता सब, और जितने भी इधर हमारे लेफ्ट में राइट में जितने भी घर आपको दिख रहे हैं ना, सब चौड़ी होने वाली है। देखो भाई बिना देखे ऐसे क्रॉस हो जाते हैं अयोध्या में। और जब डिवाइडर बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और सेफ्टी भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तुरंत सिटी के ना ऐसे डायरेक्ट ऐसे निकल जाते हैं और देखते भी नहीं अगल बगल। देखिए ये देखिए ऐसे निकल जाते हैं ना, कोई परवाह ही नहीं है कि गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, तो ये चीज़ ना करें। यहाँ पर देखेंगे ये फ्लाईओवर का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, ये चीज़ आप चेक करो। मारवाड़ी भवन है ये, मारवाड़ी भवन के सामने ही देखेंगे फ्लाईओवर का निर्माण जो है ये पूरा चल रहा है। और मुझे देखना पड़ेगा कि आगे रोड खुली भी है कि नहीं खुली है। ये आप देखो ये फ्लाईओवर का निर्माण किस तरीके से हो रहा है, और रास्ते की कंडीशन आप चेक करो। और आगे रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है तो आगे तक नहीं जाएंगे हम, यहाँ से कट हो जाएंगे अयोध्या घंटाघर की तरफ, जो मेन सिटी है हमारे अयोध्या का और बहुत ही प्राचीन सिटी है, बहुत ही प्राचीन शहर है। ये पिलर नंबर 16 इधर साइड आप देख सकते हो। देखिए ये अयोध्या जो फतेहगंज है, फतेहगंज के पास जो पिलर है, ये पिलर आप देखो यहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है फतेहगंज ओवरब्रिज के पास, जो देवकाली फतेहगंज वाला है। और बहुत लोगों का कमेंट आता है कि जो नाका वाला रोड है क्या वहाँ पर भी फ्लाईओवर बनेगा, मे बी वो नीचे से ही रहेगा, बाकी ये ऊपर से इसको फ्लाईओवर पूरा बना रहे हैं। वो जो रास्ता है जो कि चौक से नाका जाता है वो नीचे ही रहेगा। और ये घंटा सॉरी ये क्रॉसिंग है फतेहगंज क्रॉसिंग, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता था इस वजह से यहाँ पर निर्माण हो रहा है फ्लाईओवर का। देखो कंडीशन आप चेक करो पूरा, ये साइड आप देखो किस तरीके से बहुत सारे घर जो हैं सब कुछ टूट रहे हैं। और इधर हमारे राइट हैंड साइड बहुत सारे घर जो हैं पूरे टूट गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे जो घर थे किस तरीके से पूरा ख़त्म हो गए हैं पूरा, ये आप पूरा देखो। और हम पहुंच गए हैं फतेहगंज, जहां पर बहुत ही रौनक रहती थी, भीड़ भाड़ रहता था, आज देखो कितना ज़्यादा सन्नाटा हो गया है यहाँ पर। यहाँ पर फेमस आपको इमरती और गुजिया मिलता था, जो अयोध्या का काफ़ी फेमस फूड था, जो कि अब ख़त्म हो गया है। इधर साइड देखें फिर से खुलेगा सब, फिर से जब होगा, आगे भी फ्लाईओवर जो है वो बन रहा है, बट जो है ना बैरिकेडिंग लग गया है और रास्ता को बंद कर दिया गया है। तो यहाँ से हम सीधे घंटाघर की तरफ चलेंगे, और यही रास्ता मैं कह रहा था ये नीचे ही रहेगा, ये ओवरब्रिज के नीचे ही रहेगा ये रास्ता, इसमें ओवरब्रिज नहीं बनाया जाएगा इस रास्ते पे, बट ये रास्ता भी चौड़ीकरण जो है उसमें आ रहा है, ये भी चौड़ीकरण होगा। ये नाका से ये पूरा चौक का रास्ता जो देख रहे हैं ये चौड़ीकरण होने वाला है ये भी, बट अभी फतेहगंज यानी देवकाली और फतेहगंज वाला रोड चौड़ीकरण हो रहा है, इसके बाद ही ये वाला होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया है ये, इस वजह से। देखिए सुबह सुबह ही भीड़ जो है ना वो पूरी लग जाती है। देखिए ये इमारतें देखिए कितनी पुरानी इमारतें हैं, और अयोध्या सिटी का सबसे पुराना शहर ये नहीं लोकेशन यही है, बहुत ही प्राचीन है, मुगलों के टाइम का पहले का ही है ये सब। अब तो इसके आगे रिनोवेशन वगैरह कर दिए हैं, बाकी सब तो पुराना ही है। अंदर में आप देखोगे ना बहुत भवन है ना, बहुत ही पुराने पुराने भवन हैं। ये पूरा आप चेक करते रहो मार्केट यहाँ पर ना भाई, शाम के टाइम अगर आप आते हो तो आप बाइक भी नहीं चला पाओगे, इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है। बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं ये साइड आप देखो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, और आगे राइट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा।
ये साइड आप देखो कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। और हमारे अयोध्या में मल्टी कॉम्प्लेक्स जो है, मल्टी यानी मॉल जो है वो भी तैयार होने वाला है। 95% काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और उसमें VIP सिनेमा हॉल, आपको हर एक चीज़ की शॉपिंग जो है, जैसे आप लखनऊ में मॉल देखते हैं उसी तरीके से हमारे अयोध्या में एक मॉल जो है अवध मॉल करके, वो खुलने वाला है बहुत ही जल्द। तो उसका अपडेट मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ आपके सामने। तो बताइएगा मुझे कि आपको कब चाहिए वो वीडियो अवध मॉल की। और हम पहुंच गए हैं अयोध्या के घंटाघर के पास, और ये मेन सिटी है घंटाघर, यानी अयोध्या का मेन सिटी आप यही कह सकते हो। यहाँ पर आप दरा देख सकते हो, कितना पुराना पुराना दरा जो है ये आपको दिख जाएगा इधर साइड, ये आप देखो। और ये घंटाघर है, अयोध्या का घंटाघर। यहाँ से हर जगह आप जा सकते हो, जहाँ से टेम्पू आ रही है अयोध्या देवकाली बाईपास, सीधे न्यावा, इधर फतेहगंज सॉरी रिकाबगंज, ये पूरा आप चेक करो, ये लोकेशन चेक करो, कुछ इस तरीके से है। तो आप बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कहाँ की वीडियो आप देखना चाहते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, बोलिए जय श्री राम।